subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुक्सा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 71 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2545 नए केसेस रिपोर्ट हुए जबकि 2505 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान तमाम अफगान अतराफ से कहता है कि वह तशद्दुद में कमी और सीज़ फायर के लिए इकदाम उठाए। पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखला ने इस्लामाबाद में गैर ज़रूरी पुलिस चेक पोस्ट ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस पर सबसे कम खर्च किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सदाकत ने डीजी नैब लाहौर से इस्तफसार किया कि किसी के तमाम असासे डिक्लेयर के बावजूद आप कैसे तहकीकात शुरू कर सकते हैं। इस्तीफों के बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए तो चूड़ियां पहनकर घर नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज कहती हैं लाहौर जलसे के वक्त इमरान खान कुत्तों को नहीं अपना खौफ बहला रहे थे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला ग्रीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 9059566699। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 9080 हो गई। वबा के बाइस जेलों में कैद उम्र रसीदा अफराद को खतरे का सामना है। तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। आवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस कोरोना के वार जारी हैं। वबा से मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए जबकि मजीद 2545 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 40,090 टेस्ट किए गए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 42,851 हो गई है जिनमें से 2,505 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमुई तादाद 9,080 हो गई है जबकि मजमुई केसेस 4,48,522 तक जा पहुंचे हैं। 24 घंटों में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6.3 रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में उम्र रसीदा कैदियों को कोरोना के खतरे का सामना है। दूसरी जानब इंतजामिया की जानब से कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। हुकूमत की जानिब से आवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील की गई है। दोहा में होने वाले बैनुल अफगान मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से तमाम फरेकीन से राबते उसकी तरफ से सहूलतकारी की उस कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद वसीउल बुनियाद और जामे सियासी हल के लिए पेशरफ्त को यकीनी बनाना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अफगान अमन अमल में जारी पेशरफ्त और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया है। सदर अशरफ गनी से फ़ोन पर गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में तनाज़े के सियासी हल के लिए अफगानिस्तान के अपने
अमन अमल की मुकम्मल हिमायत के पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। दोहा में होने वाले बैन अलावान मुज़ाकरात में हालिया पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से तमाम फरीकैन से राबते इसकी तरफ से सहूलतकारी की इस कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद वसीउल बुनियाद और जामिया सियासी हल के लिए पेशरफ्त को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान तमाम अफगान अतराफ से कहता है कि वो तशद्दुद में कमी और सीज फायर के लिए इकदाम उठाएं। दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर अफगान अमल में तआवुन जारी रखने और दो तरफा तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वाज़ेह है कि मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए मकाम का तायुन न होने, अमरीका में इक्तदार की मुंतकली और अफगानिस्तान में शिद्दत से लड़ाई की वजह से अमन अमल की बहाली गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अगर सैनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड हो जाता है तो धांधली का रोना ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म रमामा इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखला ने इस्लामाबाद में गैर ज़रूरी पुलिस चेक पोस्टें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पुलिस पर सबसे कम खर्च किया जा रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान रवामा इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद और पाकिस्तान पुलिस के शहदा को सलाम पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखला ने बताया कि मैं कल नादरा का दौरा करूँगा। शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट की तौहीन नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद की ट्रैफिक से मुतमईन हूँ। शेख रशीद का कहना था कि अगर सैनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स हो जाता है तो ये कहना ख़त्म हो जाएगा कि इलेक्शन में धांधली हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने डीजी नैब से असासों और तनख्वाह के बारे में सवाल कर लिया। शहजाद सलीम के जवाब पर लाहौर हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि जस्टिस सदाकत ने रिमार्क्स दिए कि आपसे किसी वक्त तसल्ली से इस बारे में पूछेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ आमदन से जायद असासों की तहकीकात चार हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया लाहौर में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के अख्तियारात के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने बताया कि चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया। चौधरी बरादरान का आमदन से जायद असासों का केस ज़ेर इल्तवा है। चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ तहकीकात छः माह में मुकम्मल कर लेंगे। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि किसी के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, फिर आप कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अदालत ने डीजी नैब लाहौर से सवाल किया कि आपके कितने असासे हैं, जिस पर शहजाद सलीम ने कहा कि 4 करोड़ के असासे हैं। अदालत ने पूछा आप जब लेफ्टिनेंट थे तब आपकी तनख्वाह कितनी थी, जिस पर डीजी नैब लाहौर ने कहा इस वक्त रिकॉर्ड नहीं है, अब नैब से 5 लाख तनख्वाह ले रहा हूँ। जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि किसी वक्त तसल्ली से आपके बारे में पूछेंगे। नैब चौधरी बरादरान के आमदन से जायद असासों की तहकीकात 4 हफ्तों में मुकम्मल करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की 500 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। कबल अज़ वक़्त सैनेट इलेक्शन से हुकूमत को दवाम नहीं मिलेगा। उनको समझ आ गई है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं, जो भी हथकंडे अपना लें आपको घर तो जाना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि आइन के तहत नए सैनेटर्स को 11 मार्च के बाद हलफ उठाना है। सैनेट इलेक्शन से मुतालिक पीडीएम फैसले करेगी। सैनेट का इलेक्शन पहले या बाद में करा लें, हुकूमत को नहीं बचा सकते। कबल अज़ वक्त सैनेट इलेक्शन से हुकूमत को दवाम नहीं मिलेगा। उनको समझ आ गई है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं, जो भी हथकंडे अपना लें आपको घर तो जाना पड़ेगा। रहनुमा नून लीग का कहना था कि जलसों से फ़र्क नहीं पड़ता तो सैनेट इलेक्शन कबल अज़ वक्त क्यों कराए जा रहे हैं। क्या उन्होंने इदारों और आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का ठेका लिया है? इमरान खान ने किस हैसियत में सैनेट इलेक्शन 1 माह पहले कराने का फैसला किया? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि आप इलेक्शन के ऐलानात नहीं कर सकते? ज़ाती मफादात के लिए आप आइन का हुलिया नहीं बिगाड़ सकते, न हम इसकी इजाज़त देंगे। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, इसे आइन के मुताबिक चलना चाहिए। चेयरमैन ECP किसी गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम को ना माने। कौम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर नज़र लगा कर बैठी है।
इलेक्शन कमीशन जाली इकदामात को मानता है तो कौम समझेगी आप जानिबदार हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।